तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी इंद्रधनुष एसएससी एग्जाम पर। तो गाइस जो भी कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं और जिन्होंने अप्लीकेशंस किया था उनके मन में बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आखिर में उनकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 में कितनी जा सकती है, क्योंकि वो टायर वन की कट ऑफ जानना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग जब से उनका 2 अगस्त से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए वो इतनी अपनी तैयारी को कर सकें। साथ में उनके मन में सवाल है कि आखिर में एप्लीकेशन स्टेटस के कुछ रीजंस के जो है तो लिंक आ चुके हैं, साथ में एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। तो फाइनली गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का बिल्कुल डिटेल में जवाब देने वाला हूं, इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको एसएससी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथ में गाइस आप देखो गाइस सबसे ज्यादा ये इस समय सवाल है कि वो है सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि एडमिट कार्ड आपका जो है वो कब तक आ सकता है। तो गाइस देखो आपका जो सीएचएसएल की एग्जाम्स के डेट की बात की गई वो बात की गई 2 अगस्त से आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब 2 अगस्त से 22 अगस्त तक शायद है। तब रही बात की देखो एसएससी हमेशा करता क्या है 8 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड देता है, तो आप ये मान सकते हो कि लास्ट वीक आप आपके जो जुलाई में उसमें आपका एडमिट कार्ड आ सकते हैं। यदि आप एग्जैक्ट डेट की बात करोगे तो आपका जो है तो 22 से 25 जुलाई के बीच में आपका जो एडमिट कार्ड है वो पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात काफी ज्यादा सवाल है, काफी ज्यादा छात्रों के मन में सवाल है आखिर में यदि वो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करें उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, यदि आप वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करें तो कट ऑफ क्या जाएगी, वो यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें तो क्या कट ऑफ जाएगी, साथ में एसटी और एससी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहां पर क्या जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब आपका 2022 का एग्जाम का रिजल्ट आया था तो वहां पे जो आपकी वैकेंसियां थी वो लगभग आपकी 4000 प्लस थी, मतलब 4200 के आसपास थी। और वहां के कट ऑफ यदि यूआर की बात करेंगे तो यूआर की कट ऑफ जो है लगभग 157 नंबर गई थी। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ आपकी तब गई थी जब आपके पास जो यहां पर वैकेंसी थी वो 4000 से प्लस थी, लेकिन यदि आप 2023 की बात करें तो 2023 वहीं पर 2023 में यदि हम बात करें तो 2023 में देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो केवल जो है 1600 है और यहाँ पर अप्लीकेशन जो हुए वो 34 लाख प्लस में जो है अप्लीकेशन हुए। अब देखेंगे नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो क्या यहाँ की कट ऑफ जो है तो काफी लोगों ने बताया कि भाई 180 तक जा सकती है, 190 जाएगी, क्या इतना संभव इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। तो गाइस देखो कट ऑफ जो है तो वो आपकी डिपेंड करती है कि आपका जो एग्जाम्स का लेवल है वो एग्जाम्स का लेवल क्या है, साथ में नंबर आप कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिए, क्योंकि आपने अभी सीजीएल में देखा तो लगभग 49% ही कैंडिडेट जो है एग्जाम दे रहे हैं, ये फर्स्ट डे, अब सेकंड डे और थर्ड डे कितने देते हैं वो अलग बात होती है। तो उसी तरीके से यदि आप मान के चलो 34 लाख मान के चले आप 34 लाख एप्लीकेशन हुए हैं और 34 लाख में यदि आप 50% मानोगे तो लगभग आप मान के चलो 17 लाख के आसपास जो कैंडिडेट है वो आपके लिए एग्जाम्स के लिए अपेयर हो गए, लेकिन वैकेंसी कितनी है 1600। तो आप एक चीज 100% मान के चलो आपके लिए जो एक सीट के लिए जो है 1000 बच्चे जो है तो वो एग्जाम में प्रेजेंट हो आते हैं, कितने उनके नंबर आते हैं वो अलग बात होती है, राइट ना। तो अब देखो यदि आप यूआर के लिए तैयारी कर रहे हो, आप यूआर कैटेगरी से हो, आप चाहते हो कि भाई हमारे सेफ स्कोर हो जाए, मैं इतने नंबर लेकर आ ही जाऊं जिससे हम पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाए, तो गाइस आप यूआर से हो तो आपके लिए जो है 162 प्लस यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको लाना ही होगा, क्योंकि आपके कम से कम 5 से इससे ज्यादा भी आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। बट याद रखना ये आपके लिए तब आपका होगा जब आपका पेपर जो है तो मॉडरेट लेवल का रहेगा, साथ में आपके लिए जो है ये तब आएगा जब आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद 162 मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर यदि आप ओबीसी से बात करोगे तो ओबीसी के लिए आपके जो है 158 से जो है 160 मार्क के आसपास आपको लाना ही होगा। वहीं पर यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 155 प्लस आपको मार्क्स लाना होगा। अब एसटी एससी की जो कैटेगरी के हैं उनके जो है तो हमेशा जो है कम उन्हें मार्क्स लाना पड़ते हैं, यहां पर आपको कम मार्क्स लाने पड़ सकते हैं। तो यदि आप बात करोगे एसटी के लिए एससी के लिए बात करते हैं, एससी के लिए आपको जो है तो 140 प्लस मार्क्स लाना होगा। वहीं पर यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 135 प्लस मार्क्स लाना होगा। इतने यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तभी आप जो है यहां पे सिलेक्शन ले पाओगे, टायर 2 के लिए क्वालिफाइड हो पाओगे, अन्यथा इतना ज्यादा तगड़ा कंपटीशन के बाद काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को करना क्या है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना यदि आप टेस्ट लगा रहे हो तो आपके टेस्ट में जो है कितने टोटल नंबर आप आ रहे हैं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है
हमें एक सेपरेट डाटा मिलेगा। और आगे आप सभी को लिए, आप सभी की सहायता के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं आपके लिए और ही डाटा क्लियर करके कंफर्म कर पाऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो फाइनली गाइस आपके लिए जो अपडेट थी मैंने प्रोवाइड करा दिया हूं। यदि मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ अनअकैडमी इंद्रधनुष पर, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।